हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। देखिए क्रिस को, देखिए क्या चीज है। ठंडा के दिन में ठंडा चीज पी आता है। ठंडा के दिन शाम को ही पी आता है। नहीं रखो, परेशान। देखो फेस्टिवल का आनंद उठाना है तो स्वस्थ रहो, मेरे जैसा बीमार होकर के नहीं। हम स्वस्थ ही हैं फ्रेंड्स। कल ही मतलब आज सुबह में आया है, रात भी जागे रहे इसके चलते, सोए नहीं। हाँ तुमको कि कब आएगा, कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगा, उसकी वजह से। और आज है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली है ना, जमदिया। हाँ छोटी दिवाली है, तो हम लोग काफ़ी बिजी है घर के डेकोरेशन में। साफ सफाई तो पूरा हो गया, लेकिन फिर भी साफ सफाई जहाँ तहाँ कर ही रहे। और देखो क्रिस को भी क्या झालर मोती लेके आया है। अरे बाहर से तो सारा हो जाए, झालर मोती इतना लगा रहा है। समोसा चटनी ये भी खाने को लेकर के आया है। हम लोग थक गए हैं काम करते करते, इसलिए तो हम लोग अभी थके हैं, इसलिए इतना सारा काम किए हैं तो ढेर सारा समोसा भी खाना बनता है। और क्रिस और साथ में क्रिस भी सब लोग मिलजुल करके खाएंगे, एंजॉय करेंगे। कब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं काम करते करते, बस समोसा खा करके मिलते हैं तुरंत आप सबसे। तुरंत मिलते हैं आप सबसे। सब्जी बन रहा है, गोभी की सब्जी। मेरा सब्जी देखिए भुन चुका है, और अब इसमें डालेंगे पानी, और पानी डाल करके इसके बाद ढक देंगे। और अभी बनाना है नमकीन। तो छवि आटा गूंथ करके और काट रही है, और उसके बाद मैं सब्जी सोची कि पहले बना ले रही हूँ, उसके बाद उसे छानेंगे। तो देखिए इसमें पानी डाल दे रहे हैं, पानी डाल करके ढक दे रहे हैं। और ऐसा है कि मैं सोची कि थोड़ा सा नमकीन बना दूँ, क्योंकि मिठाई तो बाहर से आ ही जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो नमकीन ज़्यादा पसंद करते हैं, उन लोगों को मिठाई उतना अच्छा नहीं लगता है। तो दिवाली में तो मिठाई बाहर से आ ही जा रहा है, लेकिन नमकीन मैं घर पर बना दे रही हूँ। ये देखिए एक कुकीज कटर जो है, उसी से मैं काट करके जल्दी जल्दी बना दे रही हूँ। हर तरह का, हर शेप में है, डिजाइन में, बड़ा छोटा डिजाइन, सब डिजाइन में मैं काट दे रही हूँ। और इसके बाद अभी बनाना है खाना, मतलब सब्जी तो बन ही चुका है, रोटी बनाए, पूड़ी बनाए, जो भी बनाए वो भी बनाना है। और आज जमदिया है तो वो भी निकलता है हमारे यहाँ, तो खाना पीना खाने के बाद ही निकालते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये सब कुछ करके, और इसके बाद मैं दीपक भी निकालूंगी, जो खाने के बाद, खाना खाने के बाद सोने के समय में निकालते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए काजू शेप में, और ये तरह तरह का डिजाइन में, पूरा जितना भी मेरे पास शेप था वो सब मैं काट दी, और काट करके और रखे हैं। ढेर सारा हो गया नमकीन। काम के चलते तो कुछ भी घर पर बना नहीं सक रहे हैं, इतना ज़्यादा काम हो चुका है। दिवाली में तो काम होता ही है, सभी के घर में होता है। और ये देखिए मेरा कट चुका है, और सब्जी तो किनारे कर दिए हैं, इसके बाद मैं ये तल ले रही हूँ। और इसके बाद क्रिस आया है, तो क्रिस के मन से ही खाना बनता है घर में, और उसे ज़्यादा पराठा पूरी ये सही सब पसंद लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसे पूरी बना देते हैं, और वो लोग बाहर खा रहे हैं। खाना खाने के बाद मुझे किचन की सफाई भी करना है। तो उन लोग को तो जब बनाते बनाते छवि खिला दी खाना, और बच गए हम दोनों खाने के लिए, तो बस यहाँ पर निकाल ले रहे हैं खाना, और चलते हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर से काम में लगना है, मतलब काम तो कभी 12 बज जा रहा है रात में, कभी 11 बजे तो कभी सो ही नहीं पा रहे हैं, जब से दिवाली मतलब चढ़ा है तब से। तो यहाँ पर देखें लोग खाना खा चुके हैं, और
हम लोग का खाना लग गया है और हम लोग भी फटाफट खाना खाएंगे। ये चेयर खाली करने के लिए बोल रहे हैं क्रिश को। क्या चीज़ है क्रिश का? ये देखिए फ्रेंड्स, एक क्रिश का है साइंस एग्जीबिशन का, कबाड़ा करके लाया है हम आपको दिखाने के लिए। और ये लोग भी खाना खा करके और बस अपने अपने रूम में जा रहे हैं सोने के लिए। और क्रिस तो नाइट में जागा है इसलिए उसे जल्दी नींद भी आ रहा है, तो मैं बोली कि तुम खा कर और जाओ सोने के लिए जल्दी से, और मुझे किचन साफ़ करना है। किचन साफ़ करके और इसके बाद ही मैं जम का जो दिया निकलता है उसे निकालूंगी सोने के टाइम में। और अभी रात्रि के 10 बज चुके हैं और देखिए गैस चूल्हा है सब, मैं सब कुछ साफ़ करके रख रही हूँ क्योंकि सुबह भी उठ करके इतना सारा काम हो जा रहा है और दीपावली के टाइम में कितना काम हो जाता है पता नहीं, समझ में नहीं आता है। मेरे घर में ही इतना काम हो रहा है या फिर आप सबके घर में भी इतना काम है, खाना बनाना और साथ में सफाई करना। और सजावट तो अभी हुआ भी नहीं है, बहुत कम ही कुछ कुछ किए हैं। छवि अपना बनाई है घर कुंडा बस, और कुछ नहीं किए हैं। दिन भर तो बस सफाई 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 में लगे रहो। दीपावली आती है पता नहीं इतना सारा गंदगी भी कहाँ से घर में हो जाता है। जब से दीपावली चढ़ता है बस सफाई में ही लगे रहो। तो मेरा यहाँ पर सफाई हो चुका है और अब चलते हैं यहाँ से निकल साफ़ करके, और बस दीपक जलाना है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग।